नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8वीं गणित विषय की 9वें पाठ छूट और कमीशन इस पाठ के स्वाध्याय को हल करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं, थोड़ा याद करें। निम्न चौकटों में उचित संख्या 12/112 प्रतिशत ये हो गया, 12% हो गया, इस तरह से ऐसे हो गया ये प्रतिशत 12% हो गया। 47/100 86/100 इस तरह से ये करना है। और छूट क्या होता है कि जैसे यहाँ उदाहरण सूर्य द्वारा जून और जुलाई महीने में की गई साड़ियों की बिक्री तथा लाभ का विवरण सामग्री में देखिए, साड़ी का अंकित मूल्य 200 रुपये है और साड़ी का विक्रय मूल्य 250 रुपये, अंकित मूल्य 200 और विक्रय मूल्य 250, एक साड़ी पर लाभ 50 रुपया, बिक्री की गई साड़ियों की संख्या 40, तो 50 × 40 यानी 2000 रुपये। और ये अलग अलग ये जून और जुलाई के साड़ी का बिक्री का दिया गया है। अब हम प्रसंग्रह 9.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। अंकित मूल्य दिया हुआ है, पहला प्रश्न है अंकित मूल्य 1700 रुपये, बिक्री मूल्य 1540, तो कितनी छूट दी गई। अंकित मूल्य 1700 रुपये, बिक्री मूल्य 1540, तो छूट ज्ञात कीजिए। गणित अंकित मूल्य है 1700 और विक्रय मूल्य 1540, तो छूट कितनी हो गई। छूट हो गया अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, 1700 में से 1540 को घटा दिया, हो गया 160 रुपये, ये छूट मिला हमको। दूसरा प्रश्न है अंकित मूल्य 990 रुपये, प्रतिशत छूट है 10%, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। छूट 10%, अंकित मूल्य 990, छूट अंकित मूल्य गुणे प्रतिशत छूट बटे 100, इसमें 990 गुणे 10 बटे 100 बराबर 99 रुपये छूट मिला। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य में से जितना छूट है वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो अंकित मूल्य 990 में से 99 घटा देंगे, आएगा 891 रुपये। तीसरा प्रश्न है, यदि विक्रय मूल्य 900 रुपये और प्रतिशत छूट 20% हो तो अंकित मूल्य ज्ञात करिए। विक्रय मूल्य है 900 रुपये, प्रतिशत छूट 20 है, अंकित मूल्य मालूम करना है, माना अंकित मूल्य x है, छूट अंकित मूल्य गुणे छूट प्रतिशत बटा 100। तो अंकित मूल्य x है, हमने उसे माना है, और छूट का प्रतिशत है 20 और उसमें 100 का, ये हम हल करेंगे तो हो जाएगा x बटे 5, छूट हो गया x बटे 5। विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य ऋण छूट। अंकित मूल्य 900 दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य 900 रुपये दिया हुआ है, अंकित मूल्य में से छूट को घटाना है, अंकित मूल्य x है और छूट है x बटा 5, तो x बटा 5 बराबर 900, तो इसको जब चेक करेंगे तो 5x बराबर 900, इसमें 5 का भाग बटे 5, तो 4x हो गया, 5x में से 5, तो 4x बराबर 900 गुणे 5, एक्स बराबर 4500/4, अंकित मूल्य बराबर 1125 रुपये। चौथा प्रश्न है, किसी पंखे का अंकित मूल्य 3000 रुपये है, दुकानदार ने 12% छूट दी, तो पंखे पर दी गई छूट तथा पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य दिया हुआ है 3000 रुपये, छूट प्रतिशत दिया हुआ है 12%, छूट मालूम करना है, विक्रय मूल्य मालूम करना है। छूट बराबर होता है अंकित मूल्य गुणे प्रतिशत छूट बटा 100, 3000 अंकित मूल्य है, प्रतिशत छूट है 12, उसको भाग देंगे तो आ जाएगा 360 रुपये छूट मिला, 360 रुपये। विक्रय मूल्य मालूम करना है, अंकित मूल्य में से छूट को घटा देंगे, 3000 में से 360 घटाया तो ये हो गया 2640 रुपये, छूट हो गया 360 रुपये, विक्रय मूल्य हो गया 2640 रुपये। पांचवा प्रश्न है, मिक्सर ग्राइंडर का अंकित मूल्य 2300 रुपये है, यह मिक्सर ग्राइंडर 1955 रुपये में मिलता है, तो उसकी प्रतिशत छूट कितनी है। अंकित मूल्य 2300 रुपये और विक्रय मूल्य 1955 रुपये दिया गया है, इसमें प्रतिशत छूट ज्ञात करना है। छूट बराबर अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, छूट है 2300 रुपये और 1955 रुपये में विक्रय मूल्य है और उसमें घटाने हैं, घटाने पर 345 रुपये छूट मिलती है। अब हमें प्रतिशत छूट ज्ञात करना है, छूट का प्रतिशत बराबर छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100, छूट है 345 बटे 2300 गुणे 100, छूट का प्रतिशत 15%। किसी छठवां प्रश्न है, किसी दुकानदार द्वारा एक टीवी सेट पर 11% छूट देने पर वह सेट ग्राहक को 22250 रुपये में मिलता है, तो उस टीवी सेट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य है 22250 रुपये, प्रतिशत छूट है 11%, अंकित मूल्य है ज्ञात करना है, माना अंकित मूल्य 100 रुपये है,
तो छूट बराबर अंकित मूल्य गुणे प्रतिशत छूट बटे सौ, तो बराबर यक्ष गुणे ग्यारह बटे सौ, यानी यक्ष क्या है अंकित मूल्य है और छूट प्रतिशत कितना है ग्यारह, और बटा सौ करेंगे इस सूत्र के अनुसार इसको रखने पर ये हो गया ग्यारह एक्स बटे सौ। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है अंकित मूल्य, इसमें छूट को घटा देने पर विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य है 22,250 और यक्ष ऋण ग्यारह बटे ग्यारह एक्स बटे सौ, फिर सौ यक्ष ऋण ग्यारह एक्स बटे सौ, 22,250 में से सौ यक्ष में से ग्यारह एक्स घटा दिया तो हो गया 89x बटे सौ बराबर 89x बटा सौ बराबर 22,250 रुपये। अब यक्ष बराबर कितना हो गया 22,250 गुणे सौ बटे 89, अब भाग देने पर ये हो गया 250 और उसमें सौ का गुणा करना है बराबर 25,000 रुपये, तो टीवी का अंकित मूल्य हो गया 25,000 रुपये। सातवां प्रश्न है अंकित मूल्य पर 10% छूट होने पर ग्राहक को कुल 17 रुपये छूट मिलती है, तो ग्राहक को वह वस्तु में प्राप्त होगी यदगांठ करने के लिए रिक्त स्थान में योग संख्या भरिए। माना वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, ग्राहक को वस्तु 100 ऋण 10 यानी 90 रुपये में मिलती है, अर्थात जब 10 रुपये छूट हो तो विक्रय मूल्य 90 रुपये हो, और जब 17 रुपये छूट हो तो माना विक्रय मूल्य x रुपये है, तो x बटा 17 माने x बटा 17 और 90 बटा 10, तो 90 बटा 10 x बटा 17, तो इस आता है x बराबर 17 गुणे 90 बटा 10 ये हो गया 153 रुपये, वह ग्राहक को वह वस्तु 153 रुपये में मिलती है। आठवां प्रश्न है किसी दुकानदार ने एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निश्चय किया और उसका मूल्य निश्चित किए गए मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तो वह वस्तु बेचते समय 20% छूट देता है, तो उसके द्वारा निश्चित मूल्य के अपेक्षा सूची कितनी लाभ या हानि होगी, मूल्य तथा प्रत्यक्ष विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत का अंतर होगा। माना वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, मूल्य बढ़ाने का निश्चय किया तो 25% मूल्य बढ़ाने का निश्चय किया और उसका मूल्य है 100 रुपया, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया 100 धन 25 बराबर 125 रुपये, और प्रतिशत छूट दे रहा है 20% की छूट दे रहा है, तो छूट कितनी हो जाएगी अंकित मूल्य गुणे प्रतिशत छूट बटा 100। अब 125 गुणे 20 बटा 100 हो गया 101 हो गया 125 रुपये उसको छूट मिली। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य ऋण छूट, अभी अंकित मूल्य कितना है 125 रुपये और उसमें 25 रुपया छूट दिया, तो अभी उसको कितने में बेचा वो 100 रुपये में बेचा, यानी 100 रुपये का था और 100 रुपये में बेचा, यहाँ पर निश्चित मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ पर उसको न तो लाभ हुआ न तो हानि हुआ, तो इसका निश्चित मूल्य का प्रतिशत जो है 0% हो गया, यहाँ पे ये 0% है, उसको कुछ लाभ या हानि नहीं हुआ। इस प्रकार से हमारा 9.1 का प्रश्न संग्रह समाप्त होता है। धन्यवाद।